जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार गुरुवे नमः जय श्री स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष नेतारम् वेत्ता कर्म भूवृता वंदे तदुण ल मंगल भगवान वीरो मंगल गौतमो गणि मंगल कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल हम सभी लोग आठवां अध्याय और आठवें अध्याय में बंध अधिकार को समझ रहे थे आठ कर्मों की अपन ने कल व्याख्या सुनी थी और आठों कर्मों में इस बात को ध्यान रखना है कि कोई सभी हम कर्म बांधते हैं तो उस कर्म का सबसे ज्यादा जो अंश है वह तो उसी कर्म के लिए जाता है लेकिन कुछ कुछ अंश जो है सभी शेष कर्मों में चला जाता है एक ही बंध अनेक प्रगति रूप हो जाता है एक ही बंद है और एक ही बंद कैसा होता है अनेक प्रगति रूप में हो जाता है कुछ कुछ अंश जो है सभी कर्मों में चला जाता है सबसे ज़्यादा भाग जो है वह है जो हमने परिणाम से कर्म बांधा है जैसे ज्ञान में किसी को विघ्न पहुंचाया तो कौन सा कर्म बंधेगा ज्ञानावर्णी कर्म बंधेगा तो सबसे ज़्यादा जो कर्म का जो भाग है वो ज्ञानावर्णी कर्म के लिए परिणित होगा लेकिन कुछ कुछ अंश जो है दर्शनावर्णी में भी जाएगा वेदनी में भी जाएगा मोहिनी में भी जाएगा नाम में भी गोत्र में भी और अंतराय कर्म में भी तो इस प्रकार से आपने देखा डिविजन सभी में वो पाठ हो जाता है इसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया है भोजन का जैसे अपन ने बादाम खाई तो बादाम का सबसे ज़्यादा जो आ, बनना है वो क्या क्या बनेगा और कम कम क्या क्या बनेगा देखिए शरीर में बात भी पित्त भी, श्रेशम भी खल भी रस भी ये सारे भाग हैं चमड़ी भी हड्डी भी अस्थि सब कुछ भाग हैं तो उस बादाम से सिर्फ क्या क्या बनेगा वह बादाम सबसे ज़्यादा जो उसका काम है जैसे दिमाग की एनर्जी को बढ़ाना या सबसे ज़्यादा मल भाग बनाना और उसके बाद जो उसकी एनर्जी है वह एनर्जी जो है सभी में डिवाइस होगी सभी में जाएगा उसका अंश ब्लड भी बनाएगा उसका अंश हड्डी भी बनाएगी उसका अंश चमड़ी भी बनाएगी हर चीज़ बनाएगी तो आचार्योहन कहते हैं कि एक ही जो भोजन है वह भोजन सभी चीज़ों में काम आता है मल भी बनाता है खल भी बनाता है रस भी बनाता है स्लेष भी बनाता है तो एक ही भोजन जो है वो कितने रूप में शरीर में जा रहा है ऐसे ही एक ही कर्म जो प्रगति है वह कर्म प्रगति भी एक जो है सबसे ज्यादा अपने भाग में जाएगी और बात का शेष जो है सब कर्मों में क्या हो जाता है डिवाइज हो जाता है तो इस प्रकार से वह जो है आवरण का भी काम करेगी और वेदन के अनुभव का भी काम करेगी मोह आतापन का भी भाव धारण करने में भी नाना जाति नाम नाना गोत्र और नाना प्रकार के अंतराय सभी अंशों में जो है वह भाग पहुंच जाता है जैसे कि मिथ्याथ आवृत्ति प्रमाद कषाय योग है ना तो आपने मिथ्यात के परिणाम किए तो मिथ्यात के परिणाम से कौन सा बंद बंदा दर्शन मोहिनी का बंद बंदा अब दर्शन मोहिनी का तो बंद बंदा ही बंधा उसके साथ साथ को छंस बढ़नी में बेदनी में आदि अन्य वो कर्मों को प्रभावित करता है अन्य कर्मों को भी प्रभावित करता है ऐसे ही अपन को अधिकांश कर्मों में इसी प्रकार का लेना है कि एक जो क्रिया करने पर वह अनेक प्रकार के फल को देने वाली होती है अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक ही पुद्गल की शक्ति वो अनेक रूप से कैसे हो सकती है तो ऐसा ही स्वभाव है कि एक ही पुद्गल के जो स्कंद हैं वो अनेक प्रकार की शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे अग्नि है अब अग्नि जो है वो दाह का भी काम करती है वह प्रकाश का भी काम करती है दाहकत्व प्रकाशत्व वो पकाने का भी काम करती है तो अग्नि एक है पर एक ही अग्नि के कितने प्रकार की शक्तियां सामने दिखाई दे रही हैं कि प्रकाश हो अंधेरे को मिटाने का भी काम कर रही है वह अग्नि वह दाहकत्व को भी देने वाली हो रही है तो दाहकत्व प्रकाशत्व और पाचकत्व आदि अब देखो भोजन है तो भोजन को पचाने का भी काम करती है भोजन को पकाने का भी काम करती है तो एक ही अग्नि जो है अनेक प्रकार के काम में आती है एक ही स्कंद है लेकिन कितने प्रकार के काम उससे हो रहे हैं कितनी शक्तियाँ उसमें ऐसे ही कर्म में भी आपको लगाना है कि कर्म तो एक ही है लेकिन वह अपनी अपनी शक्ति इतनी उसके अंदर है कि वो अनेकों प्रकार का परिणाम सामने देता हुआ दिखाई देता है इस प्रकार से यह सूत्र संपन्न हुआ जो प्रगति बंद के अपने आठ भेद पड़े हैं ये तो मूल भेद हैं अब मूल भेद के साथ साथ उत्तर भेद इन कर्मों के कौन कौन से हैं उसके लिए आचार्य भवगन जो है पांचवा नंबर का सूत्र हमको बता रहे हैं कि मूल कर्मों की प्रगति के उत्तर उत्तर और भी कर्म भेद होते हैं आइए सबसे पहले उस सूत्र का अपन उच्चारण करते हैं

दुई पन्चे दुई पन्चे दुई पन्चे भेदा, भेदा यथा इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण और इसका अर्थ समझते हैं अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर पांचवा है पंच नौ दयाष्टा दयष्टा दयाष्टा विंसती चतुर्ई चिंशत चुरीशत दुई पंच भेदा यथा क्रम सूत्र सरल है पंच नौ दयाष्टा विंशति चतुर दुई चुरीशत दुई पंच भेदा यथा क्रम ये सूत्र देखिए पांच नौ यहाँ संधि हो गई है दुई प्लस अष्ट यहाँ आ निकलेगा या का ये हो जाएगा दुई अष्टाविंशति ठीक है फिर निकला यहाँ चतुस चतु। दुई चतवारिशत फिर दुई फिर पंच भेदहा यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था तो यहाँ भेदहा फिर यथा क्रमम क्या लिखा है यथा क्रमम अपने आठ कर्म पढ़े थे ना ज्ञानावर्णी दर्शनावरणी, वेदनी आदि उसी को क्रम से यहाँ पर लगा लें क्या लिखा है ज्ञानावरणी के पंच कितने भेद हैं पांच भेद हैं ज्ञानावरणी के नव दर्शनावर्णी के नौ भेद हैं और यहाँ निकलेगा दुई द्वि मतलब दो तो जो वेदनी कर्म है उसके दो भेद हैं उसके बाद अष्टाविंशति अष्ट मतलब आठ मतलब बीस कितना हो गया अट्ठाईस तो अट्ठाइस भेद जो है वो किसके हैं मोहिनी कर्म के अट्ठाईस भेद हैं फिर लिखा है चतु चतु मतलब चार तो इसके बाद कौन सा कर्म आता है आयु कर्म तो आयु कर्म के चार भेद हो जाएंगे इसके बाद लिखा है दुई चतवारिशत चतवारिशत मतलब होता है चालीस दुई मतलब दो तो कितना हो गया बयालीस तो बयालिस किसके भेद हो गए नाम कर्म के नाम कर्म के बयालीस भेद हैं फिर इसके बाद लिखा है दूई। दूई मतलब दो तो गोत्र कर्म जो है उसके दो भेद हैं अंतिम कर्म जो है वो अंतराय कर्म है जिसके कितने भेद हैं पंच यहाँ लिखा पंच पांच तो पांच भेद किसके हैं अंतराय कर्म के भेदा मतलब भेद तो इस प्रकार से पांच भेद नौ भेद दो भेद अट्ठाईस भेद चार भेद बयालीस भेद दो भेद फिर पांच भेद यथा क्रमम, यथा क्रम से जैसा क्रम कर्मों का पिछले वाले सूत्र में बताया है उसी यथा क्रम से यहाँ पर उन कर्मों के भेद को समझना तो पिछले सूत्र में अपन ने कर्म के मूल भेद देखे और इस सूत्र में कर्म के उत्तर भेद देखे प्रश्न मन में आ सकता है कि मूल भेद से जब बात समझ में आ गई तो उत्तर भेद कहने की क्या आवश्यकता है देखिए पहला जो अपन ने सूत्र पढ़ा वो संग्रह नय की अपेक्षा पढ़ा संग्रह ने क्या करता है वो संग्रह कर लेता है और यह सूत्र पढ़ा जो अपन ने व्यवहार ने जो संग्रह को और भेद कर देता है प्रभेद कर देता है ठीक है ना तो जो मेधावी छात्र हैं जो मेधावी शिष्य हैं उनके लिए तो संग्रह नये से ही काम चल सकता है लेकिन जो मंद बुद्धि वाले हैं जो मेधावी नहीं हैं, तो उनके लिए व्यवहार से पूरा का पूरा खोल करके बताते हैं और जिससे वो एक एक बात को समझ करके अपने जीवन को अच्छी तरह से सुधार सकें, बेहतर बना सकें, सुंदर बना सकें। तो ये कर्म की व्याख्या इतनी सुंदर है और जैन आगम में तो कर्मों के बारे में बहुत बड़ी व्याख्याएं हुई हैं कर्म प्रगति नाम का अंग ही होता है जिसमें सारा का सारा क्या बोलते कि कर्मों के बारे में समझाया जाता है वर्तमान में कर्म कांड ग्रंथ है उसमें अपन समझ सकते हैं और भी जैसे धवला आदि में भी बहुत सुंदर कर्म का आया हुआ है बहुत सूक्ष्म वर्णन है गणित के माध्यम से भी इसको अच्छी तरह से समझाया गया है तो इस सूत्र में तो सिर्फ आपको प्रभेद की संख्या ही बताई गई है कि एक एक जो मूल कर्म है उनकी कितनी कितनी संख्या होती है ठीक है ना ये शब्द संख्याएं जो हैं वो संख्यात में हैं ठीक है ठीके? और यदि इनके अपन भाव से देखें कि इनके संबंधित परिणाम होने वाले जो हैं वो देखें तो कितने हो जाते हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं एक एक कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं क्योंकि इतने प्रकार के परिणामों से कर्म को बांधा जा सकता है और परमाणुओं की अपेक्षा से देखें तो एक, एक कर्म के अनंत अनंता भेद हो जाते हैं इस प्रकार यहाँ आपने सूत्र समझा और अब जो पहला जो कर्म था ज्ञानावरणी कर्म उसके जो पांच भेद हैं उन पांचों भेदों का सूत्र जो है आचर छठवां नंबर कह रहे हैं उस सूत्र का यहाँ पर उच्चारण करते हैं और उन पांचों के परिभाषाओं को भी समझते हैं कि एक ही कर्म पांच प्रकार से कैसे हुआ और उसका फल व्यक्ति को किस व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है उसकी जानकारी भी लेते हैं मति श्रुतावधि मति श्रुतावधि मनहा पर्य मना केवला नाम केवला नाम इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण संधि विच्छेद और अर्थ को भी समझते हैं अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर छठवा है मती श्रोता वधि पर्याय, केवला, नाम ठीक है ना ऐसा सामान्य से उच्चारण होता है अब थोड़ा विशेष उच्चारण करेंगे तो मत संयुक्त अक्षर इसलिए यहां पर थोड़ा स्वराघात करेंगे मतिश्रोता मतिश्रुता वधि मन पर्याय, केवला नाम सूत्र सरल है देखिए मति प्लस श्रोता प्लस अवधि प्लस मनहा एक है प्लस केवला नाम ज्ञानावर्ण कर्म के ये सष्टी का बहुवचन हो गया लास्ट में समस्त पद में केवला नाम तो क्या हो गया ज्ञानावर्णी कर्म के ठीक है ना मति श्रोता अवधि मनहा परे और केवल ये पाँच जो हैं कौन से आवरण हैं ज्ञानावरण कर्म के तो क्या लगाएंगे मति ज्ञानावरण श्रोत ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण इस प्रकार से पाँच प्रकार के आवरण ये ज्ञान में होते हैं ये पांच प्रकार के आवरण मति, श्रुत अवधि मन परे और केवल की अपेक्षा से पांच प्रकार के बन जाते हैं देखिए यहां लिखा हुआ है पांच ज्ञान को आवरण करने वाले पांच यहाँ पर भेद देखिए ज्ञान ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण अवधि ज्ञानवरण मन ज्ञान ज्ञानावरण और लास्ट में केवल ज्ञानावरण इसका संक्षेप में अर्थ यही है मति ज्ञान का जो आवरण करे वह कर्म मति ज्ञानावरण है श्रुत ज्ञान पर आवरण करे वह कर्म श्रुत ज्ञानावरण कर्म है अवधि ज्ञान पर जो आवरण करे वह कर्म अवधि ज्ञानावरण कर्म है जो मनह पर ज्ञान को आवरण करे वह कर्म जो मनहा पर ज्ञानावरण कर्म है जो केवल ज्ञान को आवरण करे वह कर्म केवल ज्ञानावरण कर्म है। इस प्रकार यहां में पांचों की इतनी ही परिभाषाएं अपन को समझनी नमोस्तो चार मेरे मन में एक संखन हो रही थी यहाँ पर बताया जा रहा है ज्ञानावरणी कर्म के कारण हमारे ज्ञान का नाश हो जाता है तो हम फिर चेतन जीव कैसे बचेंगे क्योंकि हमारे ज्ञान का तो नाश हो गया तो हम फिर हम चेतन जीव कैसे बचे गुरु कृपया समाधान करें ज्ञानावरणी कर्म कभी भी ज्ञान का विनाश नहीं करता है इस बात को ध्यान रखना यहाँ ज्ञान के पीछे आवरण शब्द लगा है ना कि विनाश शब्द लगा है आवरण का, का अर्थ क्या होता है ढांकना पर विनाश का अर्थ क्या होता है क्षय करना तो जो ढकी हुई चीज है वो उजागर तो हो सकती है लेकिन जिसका विनाश हो जाए वो पुनः उसका अपना अस्तित्व में नहीं आ सकती तो ज्ञाना कर्म ज्ञान का विनाश नहीं कर रही है ज्ञान पर आवरण डाल रही है जैसे मूर्ति पर कपड़ा डाल दिया तो मूर्ति का नाश नहीं हो गया वो कपड़ा का आवरण है यदि विनाश हो जाए तो चेतना ही नहीं रह जाएगी क्यों क्योंकि चेतना का लक्षण ही है जानना जानना चेतना का परम लक्षण है और उसी से ही इस चेतना का अस्तित्व है इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है आपको पता है जो सूक्ष्म लब्धक पर्याप्त जो जीव है उस जीव के भी कितना ज्ञान अक्षर का अनंतवा भाग नित्य उद्घाटित रहता है अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान उस जीव के नित्य उद्घाटित रहता एक अक्षर एक अक्षर का जो ज्ञान मतलब किसी को आमात्र का ज्ञान है उस आ का भी ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है वो उसके भी अनंतवा भाग किया जाए तो उसका जो ज्ञान उतना है उतना ज्ञान उसके नित्य उद्घाटित रहता है ऐसा लब्धि अपर्याप्त जो सूक्ष्म जीव है उसकी भी इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है तो इस प्रकार से कभी भी हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय भी रहे तब भी पूर्ण रूप से ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता हाँ अपन कथनचित ये कह सकते हैं कि जितना हमारा ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान नहीं है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानावर्णीकर्म ने हमारे ज्ञान का विनाश कर दिया क्योंकि हमें केवल ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए तो इस सूत्र में अपन ने जो पांच भेद पड़े हैं मति ज्ञानावरण आदि तो मति ज्ञानावरण का अर्थ क्या हुआ पांच इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु और श्रोत और मन ये पांच इंद्रियों मन हैं इनके निमित्त से जो कुछ भी हम बाह्य निमित्त आदि से जानते हैं स्मृति से संज्ञा से चिंता से अवनिबोध आदि से जानते हैं लेकिन ये जानना उस रोक दिया जाए किसके कारण मति ज्ञानावरण कर्म के कारण ये स्मृति संज्ञा चिंता अवन बोध रोक देता है ये ये कर्म उसको रोक देता है तो इस रोकने को ही ज्ञानावरण कर्म कहते हैं जो पदार्थों की जो विशेषता है या अर्थ की जो विशेषता है जो ज्ञासा है उसको जो रोक देता है उसे अपन मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं यदि आपका स्पर्शन इंद्र संबंधी मान लो मत ज्ञानावरण जैसे स्पर्शन से अपन क्या बोलते हैं जानकारी लेते हैं अब किसी का उसका तीव्र उदय आ जाए तो कोई उसको शरीर छुए टच करे तो उसे पता ना चले अभी अपन को कोई टच करता है तो हमको पता चल जाता है किसी ने हमको छुआ जैसे कोई मच्छर आके बैठ गया मक्खी आके बैठ गया तो हमको पता चल गया ना ठीक है ना तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को ज्ञान हुआ और यदि मति ज्ञानावरण कर्म स्पर्शन मति ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय हो जाए तो मच्छर बैठे मक्खी बैठे या कोई डंडा मारे कुछ भी करे तो उससे आपको पता ना चले तो उससे पता आपको नहीं चला तो वो क्या हो गया स्पर्शन इंदि संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ जिससे आपको जो आत्मा को उसका ज्ञान होना चाहिए था वो संबंधी वाला ज्ञान आपको नहीं हुआ ठीक है ना इसका ये मत, मतलब नहीं समझना कि उसको ज्ञान नहीं हुआ तो चेतना ही अचेतन हो गई ऐसा नहीं चेतन का उपयोग अपना कहीं और है लेकिन उस संबंधी जो है ज्ञान होना चाहिए था वो ज्ञान उसका वहां पर नहीं हुआ तो इसे मति ज्ञानावरण कर्म के भी यदि उत्तर भेदों में जाएं तो 336 प्रकार के भेद बन जाते हैं तीन सौ छत्तीस अवग्रह ईहा अवाय धारणा आदि और उसके भी अर्थव्यंजन व्यग्रह व्यंजन उसके भी बारह पदार्थ बनते हैं और इस प्रकार से भेद प्रभेद करते हैं अपन ने तत्वा में पहले अध्याय में इसके भेद प्रभेद की चर्चाएं और एक एक की व्याख्याएं भी, भी अपन ने बहुत अच्छे से सुनी है उसे वहाँ से जान लें तो जितने मति ज्ञान के भेद ये तीन भेद तो है ही है इसमें भी जीवों की अपेक्षा अपन लगाए तो असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण इसके वर्ण कर्म के क्या हो जाएंगे और भी उत्तर भेद आदि हो सकते हैं तो इस प्रकार से ये मत का हुआ अब लगाते हैं सुत ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण क्या जो मति इंद्रिय द्वारा से हम पदार्थ को जानते हैं उससे भी विशेष को जाने उसको विशेष रूप से जाने वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है और ऐसे शुद्ध ज्ञान के जानने में जो रोक आती है बाधा आती है वो शुद्ध कर्म के द्वारा आती है इसके भी बहुत सारे उत्तर भेद आदि होते हैं अपने जीवकांड आदि में पढ़ेंगे तो शुद्ध ज्ञान आदि के पर्याय आदि पर्याय पर्याय समास आदि ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं वो बीस प्रकार के भेद बन जाते हैं हम शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के तीव्र उदय आदि होने से हिताहित की हमारी बुद्धि नहीं रह जाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारी सोच समाप्त हो जाती है जब इसका क्षोपसम होता है तो हम हित अहित के बारे में जान सकते हैं लेकिन तीव्र उदय होता है तो हम अपने कल्याण उद्धार आदि के बारे में नहीं सोच पाते हैं नहीं विचार पाते हैं ऐसा शुद्ध शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म कहलाता है तीसरा कर्म है अवधि ज्ञानावरण कर्म अवधि ज्ञानावरण कर्म क्या है जो इंद्रियों मन की सहायता के बिना जो आत्मा पदार्थों को स्पष्ट रूप से जान सकती थी लेकिन अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय होने के कारण वह इस प्रकार से बिना इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं जान पाता है अतः यह अवधि ज्ञानावरण कर्म का जब तक उदय चलता रहता है तो जीव जो है वह स्पष्ट आत्मा से पदार्थों को रूपी पदार्थों को नहीं जान पाता है उसके ज्ञान का संज्ञान विषय नहीं बन पाता है अवधि कर्म का क्षय होने पर ही जीव जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है जैसे अभी अपन वर्तमान में पंचम काल में हैं तो अपने अवधि ज्ञानावरण मनहापन ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण इन कर्मों का तीव्र उदय चल रहा है जिसके कारण अपन इस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं अपने पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का क्षयोपम तो है लेकिन उतना भी क्षयोपम नहीं है तो मति ज्ञानावरण कर्म का भी और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का भी उदय चल रहा है लेकिन कुछ अंश में क्षयोपम हैं जिसके कारण थोड़ा बहुत हमको मति और शुद्ध ज्ञान संबंधी ज्ञान हो जाता है लेकिन बहुत सारा अंश जो है वो आवरण रूप में है जिससे पूर्णमति ज्ञान भी और पूर्ण शुद्ध ज्ञान भी नहीं हो पा रहे हैं पूर्णमति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान में हमको ग्यारह अंग चौदह पूर्व का ज्ञान हो जाए इतना शुद्ध ज्ञान वर्ण कर्म का छे उपम ज्ञान होता है लेकिन वो ज्ञान भी हमको प्रकट नहीं हो पा रहा है इसका मतलब कितना हम पर आवरण अभी भी उस कर्म का पड़ा हुआ है तो संकलेश आदि परिणामों के कारण यह ज्ञान आदि जो है प्रकट नहीं हो पाता है इसमें भी अवधि ज्ञानावरण कर्म के अपन भेद करें तो गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय नाम के ये दो अवधि ज्ञानावरण कर्म के भेद बन सकते हैं कि भाव प्रत्यय नाम का भी अवधि ज्ञानावरण कर्म के उदय से जिनको यह ज्ञान प्रकट ना हो पाए और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञानावरण कर्म के उदय से उनको भी यह ज्ञान प्रकट न हो पाए इसके बारे में जानकारी हमने पहले अध्याय में दे रखी थी तो इसके भी अपन ने दो भेद किए और भी भेद प्रभेद इसके भी बन जाते हैं देवगति के देवों का जैसे देश, देशावधि सर्वावधि परमावधि और इसके भी व्यवस्थित अव्यवस्थित वर्धमान हीयमान ऐसे भी बहुत सारे भेद अवधि ज्ञानावरण कर्म के बन सकते जो जीव जिसके पास जैसा है उसका उस रूप का कर्म का एक पार्ट जो है बन जाता है तो अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जितने जीव हैं अवधि ज्ञानी उनकी अपेक्षा भी उतने ही प्रकार के भेद बन सकते हैं क्योंकि किसी को पूर्ण अवधि ज्ञान प्रकट न हो तो उनमें भी कही न कहीं ना कहीं अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का उदय रहेगा दो कर्म की बातें मना पर ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म की बातें कल करेंगे आज ही संपन्न करेंगे आइए माँ जनवाणी की स्थिति करते हैं जावाणी जावाणी के ज्ञान से सूजे मस्तक धरो सदा दे तो हों धो हे जिन वाणी भारती तो हे जप जो तेरी सो पावे सभी को बहुत बहुत सभी को सादर आप सभी के सहयोग से जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्व सूत्र जी के पांचवे अध्याय की, की पुस्तक छपके आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं एक महीने के लिए तीन महीने के लिए छह महीने के लिए अथवा एक वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जैजनेन मैं आरती जैन